अगर मुझे मेरे हीरे नहीं मिले ना तो तेरा वल्लभ सेठ तो गया। उसकी कमर में जो पट्टा बना है ना उसमें बम है और उस बम का रिवॉर्ड मेरे पास है, ये देख। मैंने तुम्हें वो बेल्ट फेंकने के लिए मना किया था, फिर भी फेंक दी तुमने। तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अभी क्या अभी इस बुड्ढे का टेटवा दबा सकता हूँ, टेटवा। आज तीज है, अपने पायड़े की लंबी उम्र के लिए व्रत तो रखना पड़ेगा ना तुझे। सॉरी बट मैं कोई व्रत नहीं रखने वाली। तीज नहीं, ये थाली लोटा वगैरह लेके तुम कहाँ जा रही हो? तुमने बिटिया ने व्रत रखा है आज। रुको, अगर तुमका कौनो मिला नहीं तो ये तीजा का व्रत किसके लिए रख रही हो? कहीं गुल्लू के लिए? तो इला जी आंखें खोलिए। उसके सामने मंदिर में मैंने बोला था कि मैं आज यूएस के लिए निकल रही हूँ, क्या उसे कुछ फर्क पड़ा? वो मुझे रोकने के लिए आया? वो तो मुझे अपना मानता ही नहीं। अगर अपना नहीं मानते तो तेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हीरा? जानना चाहती है अखिलेश भैया ने तेरे लिए क्या किया? पता है काजल, बहुत लकी हो तुम जो जो तुम्हें अखिलेश जैसा लड़का मिला। बस इतना कहना चाहती हूँ काजल कि हमेशा इसका ख्याल रखना। जानते हीरा जी कि आप हमें सूरत नहीं देखना चाहती, लेकिन अब जब रिश्ता ही नहीं रहा तो कैसा वचन कैसा वादा। आखिरी बार हमारा चेहरा देख लीजिए। दुर्गा माँ के मंदिर में ब्याह करने जा रहे हैं हम आज। अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए, फिर आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। खुश हो ना कि ग्लू बेटी की लाइफ में एक नई लड़की है, लेकिन तुम्हें पता है कि उस लड़की को जबरदस्ती ग्लू बेटी की लाइफ में लाने वाली कोई और नहीं बल्कि ईरा है। चलो मेरे साथ, वो लड़की अब भी ईरा के घर पर है। छोकरिया हमारे घर के अंदर नहीं आ सकती। Are you even listening to me? तुम मेरी बात सुन भी रही हो? पुष्पा, पुष्पा, हाँ? तुम तो मेरा असली नाम जानती हो ना? अम्मा एक बार सोच लो, हमारे खाते हमने केवल ईरा जी से प्रेम किया है और हमारा ब्याह हो चुका है। हम ना तो दोबारा प्रेम करेंगे ना ही ब्याह करेंगे। सारी जिंदगी हम अकेला गुजारा कर लेंगे, हम बता रहे हैं। अम्मा ये काज जिद लगा रखी है, हमारी खातिर मान जाओ। अम्मा आज तक हम कौनो चीज के लिए इतनी जिद किए है कहा? कबू डाही ना। अम्मा काहे इतनी जिद कर रही हो? अम्मा तुम सुन भी रहे हो हम कहा बोल रहे हैं? अम्मा जिद छोड़ दो और तुमका इरा जी को अपना ना होगा। वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इतने इंपॉर्टेंट मैटर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। शट द डैम फोन, साइलेंट कर अपना फोन राइट नाउ। सॉरी मम। तुमका इराजी को अपनाना होगा अम्मा,
ओके 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 नो 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 पुष्पा नॉट ओके। ये लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं है, ग्लू बेटी की लाइफ के लिए ठीक नहीं है। बोल दो यहां से जाने के लिए, बोलो। अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम बहुत थके हैं, हम जाके खटिया पे आराम करते हैं। That's not final. पुष्पा ए भैया जी, ये खटिया बोल के जा रही है, ये घर में खटिया कहाँ है बे? कम से कम खुशी की बात तो ये है कि पुष्पा आंटी मान तो गई। Exactly. और मैं तो बहुत खुश हूँ भाप्स कि आप फाइनली हमारी फैमिली में वापस आ गई हैं। I'm so excited. मोटी बाप, मेरा गृह प्रवेश किए बिना ही निकल गए। अरे भाभी, फिकर करने की कोनो जरूरत नहीं है, अभी ओके बोल दिए ना तो कल को जाके चाची आपकी बलाए भी लेगी। ये जो भूमि बहन है ना, वो आपका गृह प्रवेश करेगी। भूमि बहन गृह प्रवेश करा जी। चंदू भैया, आप एक काम कीजिए ना, आप वो आलते की थाल ले आइए। हाँ, आलते का थाल लेकर आते हैं। भेटियर लेकर आते हैं। ये अम्मा आरती की थाली उल्टी खाई घुमा रही है। मोनिका के दिमाग में एक ऐसा फूल प्रूफ प्लान है जिससे अखिलेश और ईरा सेपरेट हो जाएगा। तो खुशखबरी ये कि मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूं। मुझे कुछ कहना है, कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से काम किए जिसे गलत और गैर कानूनी कहा जा सकता है, और आज पापा के सामने मैं अपने सारे गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। आज विन को अपनी माँ का असली चेहरा दिख ही जाएगा। पितामा, अब तुम्हारी शिक्षा ग्रहण करने का समय आ गया है। शिक्षा का उद्देश्य लिए श्री कृष्ण तथा सखा सुदामा पहुंचते हैं ऋषि संदीपनी के आश्रम, जहां ऋषि श्री कृष्ण को आता देख रेखा लांग हो जाते हैं पशन के। आपने क्या किया गुरुदेव, मुझसे मिलने के लिए स्वयं के मिल श्राप को भूल गए। श्री विष्णु सूर्य के प्रकाश को निरंतर रख सहायक बनते हैं पौंड्रिक के कंस। मिस्टर तिवारी जी, आपने 10,000 रुपए दिए थे, ये आपका 20,000। थैंक यू। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, ऐसा आपने 2,500 रुपए दिए थे, ये आपका 5,000। उस रागिनी और वो बुड्ढे के साथ बाकी पूरा परिवार भी बॉम्ब ब्लास्ट में खत्म होने वाला है। देवर जी कुछ स्पेशल लाए थे, कुछ पूजा के लिए कुछ स्पेशल लाए थे का? बड़के बाबू जी वो शंख लेकर आए थे, वो बिशु बाबू हमारा रखल शंख।